दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संस्कृत सुभाषित से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। पहला श्लोक, आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम, आचरात किं न साध्यते। अर्थात सद आचरण सबसे बड़ा धर्म होता है, सद आचरण सबसे बड़ा तप होता है, सद आचरण सबसे बड़ा ज्ञान भी है। दोस्तों, सद आचरण से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा सूत्र, हंसः श्वेतो वकः श्वेतो को भेदो वकहंसयो, निरक्षीर विवेकेतु हंसः हंसो वको वकः। अर्थात हंस और बगुला दोनों का रंग श्वेत होता है, पर जब दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी को अलग करने की बात होती है तो तब हंस और बगुले में अंतर का पता चल जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा, संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता। अर्थात उदय होते समय सूर्य लाल अर्थात रक्त वर्ण होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। दोस्तों, जो लोग महान होते हैं वे भी सुख और दुख में समान होते हैं। तो ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगे, विक्रम आर्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। अर्थात शेरों का कभी राज्याभिषेक नहीं किया जाता, वे जो भी प्राप्त करते हैं वह अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम से प्राप्त करते हैं और अपने कार्यभार और राजत्व को वे सहजता व सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा तथा अंतिम सूत्र, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत, वर्तमाने न काले न वर्तयन्ति विचक्षणा। अर्थात बीते हुए समय का शोक नहीं करनी चाहिए और भविष्य के लिए परेशान भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे लोग वर्तमान में ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।